नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय भागलपुर सिटी डेवलपर्स। देश भर में निकाली गई भगवान जगन्नाथ की रथ शोभा यात्रा, भागलपुर सहित अंग प्रदेश में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिंह पहुंचे भागलपुर। चमकी बुखार से हुई बच्चों की मौत को लेकर सीएम नीतीश कुमार पर कसा तंज। अवैध संबंध को लेकर नवगछिया में पति ने पत्नी को किया आग के हवाले, हालत गंभीर। चौदह दिन पूर्व नाथनगर से अपहृत महिला की बरामदगी को लेकर परिजनों ने एसएसपी से लगाई न्याय की गुहार, एसएसपी ने दिलाया भरोसा। और विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्नातक में दाखिले की तिथि में किया बदलाव, 6 जुलाई तक छात्र ले सकेंगे नामांकन। और अब खबरें विस्तार से। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि के अवसर पर गुरुवार को भगवान जगन्नाथ की रथ शोभा यात्रा निकाली गई। प्रत्येक वर्ष उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में इस दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की रथ शोभा यात्रा निकाली जाती है। ऐसी मान्यता है कि रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ अपने भाई और बहन के साथ मौसी के घर जाते हैं और एकादशी के दिन घर वापस आने के साथ आयोजन समाप्त होता है। भागलपुर के नाथनगर, गोकुल, गंगा घाट, बड़ी ठाकुरबाड़ी, चंपानगर से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। रथ यात्रा में पूर्व भगवान जगन्नाथ को परवल भात का भोग लगाया गया और वैदिक रीति रिवाज के साथ पूजा अर्चना की गई। रथ यात्रा बड़ी ठाकुरबाड़ी से निकलकर शहर के विभिन्न चौक चौराहों से होते हुए गोकुल घाट ठाकुरबाड़ी पहुंचकर संपन्न हुई। वहीं बांका के भगवान मधुसूदन मंदिर से भगवान मधुसूदन की भव्य रथ यात्रा निकाली गई। यात्रा के दौरान रथ को रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया और गाजे बाजे के साथ बाजार भ्रमण कराया गया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान मधुसूदन को विष्णु का रूप माना जाता है और इसी को लेकर प्रत्येक वर्ष आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को रथ यात्रा निकाली जाती है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिंह निजी कार्यक्रम को लेकर भागलपुर पहुंचे। सतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार से बच्चों की मौत मामले में बिहार सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि इस तरह बच्चों की मौत कई वर्षों से हो रही है, लेकिन सरकार इस मामले पर गंभीर दिखाई नहीं दे रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि नीतीश कुमार का बीजेपी के साथ गठबंधन के कारण सत्ता में वापसी कर सकते हैं, अगर गठबंधन नहीं रहा तो नीतीश कुमार का पत्ता साफ हो जाएगा। अरे ये तो कई साल से हो रहा है, इस पर तो ध्यान ही नहीं है सरकार की। सरकार बड़ी गूंगी हो गई है, अब इतने बच्चे मर गए, अभी इसको ठीक से पता नहीं क्या है क्या नहीं। अब रिसर्च हो रहा है, इस पर वर्किंग आउट हो रहा है कि कौन सी बीमारी। नीतीश कुमार का बीजेपी के साथ है गठबंधन, इसीलिए उम्मीद है। गठबंधन नहीं रहा तो साफ है। नवगछिया में ससुराल वालों ने विवाहिता को जिंदा जलाकर मारने की कोशिश की, लेकिन असफल होने पर सभी आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पति मोहम्मद सरोवर को गिरफ्तार कर लिया है। घटना में महिला 70% जल गई है, जिसका इलाज भागलपुर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि खरीक थाना क्षेत्र गोट खरीक निवासी मोहम्मद सरोवर का किसी अन्य महिला के साथ अवैध संबंध था। पत्नी के विरोध करने पर आरोपी पति पत्नी को आग के हवाले कर दिया। उसका दूल्हा जो है ना कल जला के मारने का कोशिश किया, दूल्हा सास पत्नी भैंसुर मिल करके सब जलाने का कोशिश करके बहुत दाब करके रखा, किरासन तेल छिटके मारने का कोशिश किया, लेकिन वो नहीं दब सका। सोचा कि अब हल्ला हो गया गांव में, इसी वजह से ही अगल बगल का पड़ोसी फोन किया हम सबको, हम सब गए तो नहीं दब सका। तब डॉक्टर को एक ठो सुई दिलवा के गांव में दिलवाया, उसके बाद टेम्पो पर ढकोसला ले करके आ रहा था। नाथनगर मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र से 14 दिन पूर्व अपहृत महिला का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। बेटी की सकुशल बरामदगी को लेकर गुरुवार को अपहृत महिला की मां अपहृत महिला के बच्चों के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंची और बेटी की सकुशल बरामदगी की गुहार वरीय पुलिस अधीक्षक आशीष भारती से लगाई। एसएसपी ने कहा कि मामले के उद्भेदन के लिए सीटीडीएसपी के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया है। वहीं अपहरण कांड में 6 व्यक्ति को अभियुक्त बनाया गया है, जिसमें 3 लोगों ने न्यायालय में सरेंडर कर चुका है।
एसएसपी ने कहा कि जल्द ही तीनों आरोपी को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी, साथ ही अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। एक महिला को कुछ व्यक्तियों के द्वारा अपहरण करने की बात के संबंध में कांड दर्ज कराया गया है और इस मामले में कुल 6 लोगों को अभियुक्त बनाया गया है। तो इस मामले में सिटी एसपी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया है और यह विशेष टीम छापेमारी कर रही है। उसी छापेमारी के कारण 3 व्यक्तियों ने सरेंडर किया है माननीय न्यायालय में। उन तीनों अभियुक्तों को जल्द ही हम लोग उसको रिमांड पर लेकर के उससे पूछताछ करेंगे और अभी अपहृता की बरामदगी नहीं हुई है, हम लोग प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द उसकी बरामदगी हो सके और अन्य अभियुक्त जो अभी बाहर है उनको भी गिरफ्तार कर सके। छात्र हित को ध्यान में रखते हुए तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्नातक में दाखिले की तिथि बढ़ा दी है। सत्र 2019-20 के बीए, बीएससी और बीकॉम में दाखिले के लिए छात्र अब 6 जुलाई तक नामांकन करा सकते हैं। जिन छात्र छात्राओं ने अब तक ऑनलाइन आवेदन नहीं भरा है वह भी आवेदन कर सकते हैं। नामांकन तिथि बढ़ाए जाने को लेकर टीएमयू के डीएसडब्ल्यू डॉक्टर योगेंद्र महतो ने कहा कि जिन छात्रों का चयन पहली सूची में नहीं हुआ है वैसे छात्र छात्राओं के लिए 5 से 7 जुलाई तक पोर्टल खुला रहेगा। इस बीच छात्र कॉलेज का विकल्प भी बढ़ा सकते हैं और विषय में भी बदलाव कर सकते हैं। पार्ट 19 में के लिए 2 दिन तारीख बढ़ाई गई है, 5 और 6 जुलाई तारीख बढ़ाई गई है। बच्चे परेशान थे और भीड़ बहुत ज़्यादा थी, इंटर का भी काम विश्वविद्यालय में हो रहा था, इसलिए उसको दो दिन की तारीख बढ़ाई गई है। दूसरी बात यह है कि वे छात्र जिनका सिलेक्शन कहीं नहीं हुआ है वे 5, 6, 7 को पोर्टल खुलेगा और अपना चॉइस बढ़ा सकते हैं, कॉलेज का चॉइस भी बढ़ा सकते हैं और अगर चाहेंगे कि विषय बदलना है तो विषय ही बदल सकते हैं। तीसरी बात यह है कि अगर कोई बच्चा गलत ढंग से कैटेगरी भरा था तो उसको उस दौर में फ्रेश आवेदन पत्र भरना होगा। अगर कोई बच्चा छूट गया है, एप्लीकेशन दे नहीं सका, तो वे बच्चे भी 5, 6, 7 जुलाई को एप्लीकेशन दे सकते हैं, फ्रेश आवेदन कर सकते हैं। फिर है कि अगर नामांकित बच्चा ऑप्शन खोजता है, स्लाइडर ऑप्शन खोजता है, तो उसको भी 5, 6, 7 को मौका दिया जाए। भागलपुर जिला शिक्षा पदाधिकारी मधुसूदन पासवान ने गुरुवार को गोपालपुर प्रखंड स्थित मध्य विद्यालय सैदपुर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विद्यालय मिड डे मील योजना बंद पाया गया और शिक्षक भी स्कूल से गायब थे। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने प्राचार्य से मिड डे मील योजना बंद होने की जानकारी ली और छात्रों के उपस्थिति पंजी का भी जांच की। मीडिया से बातचीत के दौरान डीईओ ने कहा कि जल्द ही जिले के 75 उच्च विद्यालयों में स्मार्ट क्लास की शुरुआत की जाएगी। और ये जो RMSS है एक अधूरा है, इसको तो हम लोग RMSS में देखते हैं, पैसे रहेंगे उनको हम करवा दें। कोई टाइम बाउंड मैं नहीं दे सकता, चूँकि वो पैसे आएंगे गवर्नमेंट के तभी हम कर सकते हैं। और चूँकि ये जो है एक रूम जो RMSS का है उसके लिए पैसे हमारे जिले में हैं, ये MB बुक करके देंगे कि हमने 2.5 लाख का सर बना दिया है सब कुछ और उसके बाद उसको रिलीज हो सकता। जिलाधिकारी प्रणव कुमार के आदेश पर जिला परिवहन पदाधिकारी सह गोपालपुर प्रखंड प्रभारी अरुण कुमार सिंह गुरुवार को पंचायतों में बने जल मीनार का निरीक्षण करने नवगछिया के गोपालपुर पहुंचे और पंचायतों में बने जल मीनार का निरीक्षण किया। इस दौरान जल नल योजना के लिए बिछाई गई पाइपलाइन की स्थिति की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान जिला परिवहन पदाधिकारी ने प्रत्येक घरों में 7 निश्चय योजना के तहत पेयजल की आपूर्ति, जल मीनार की स्थिति से संबंधित रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपने की बात कही। आज हम लोग जिलाधिकारी भागलपुर के आदेशानुसार PSD के जलापूर्ति योजनाओं के संबंध में जांच करने आए थे कि उसकी स्थिति क्या है, कितनी जगह कार्यरत है, किन किन पंचायतों में कार्यरत है, कितने परिवारों तक ये इसकी विस्तार हो रही है, आगे क्या कमी है, पूर्णतः आबादी मैंने उसमें आ गया है,
समाहित हो गया है या और विस्तार करने की योजना है, पाइपलाइन की क्या स्थिति है, जल मीनार की क्या स्थिति है, इसी बिंदु पर था हम लोग का। हम लोग जांच किए, सैदपुर में एक योजना है जल मीनार का, एक धरारा में है और एक अमिया पचकछिया में, तीन योजना देखे हैं हम लोग। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए सिल्क टीवी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर लीला चंद्र साहा ने गुरुवार को टीएनबी लॉ कॉलेज का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान महाविद्यालय से 3 शिक्षक और 3 शिक्षकेतर कर्मचारी गायब थे। कुलपति ने अनुपस्थित शिक्षक और कर्मचारी को शोकॉज करते हुए कहा कि जवाब संतोषजनक नहीं मिलने पर 1 दिन का वेतन काट दिया जाएगा। उसमें छात्र लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे, कुछ छात्र परीक्षा फॉर्म भर रहे थे, प्रायः शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी उपस्थित थे, कैंपस साफ सुथरा था, लेकिन 3 शिक्षक और 3 शिक्षकेतर कर्मचारी एबसेंट पाए गए। उनको शो कॉज पूछा गया है, शो कॉज के जवाब के बाद अगर जवाब सेटिस्फैक्ट्री होगा तो उनको वार्निंग दी जाएगी, अगर सेटिस्फैक्ट्री नहीं होगा तो उसका 1 दिन का वेतन काटा जाएगा। मानसून की शुरुआती बारिश से ही शहर के कई प्रमुख चौक चौराहों और बाजारों में लोगों का चलना मुश्किल हो गया है। बारिश के बाद वार्ड 38 लोहापट्टी में जलजमाव से राहगीरों के साथ दुकानदारों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 2 पहिया एवं 3 पहिया वाहनों के साथ माल ढोने वालों को भी काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। दुकानदारों की माने तो महज आधे घंटे की बारिश में ही पूरा लोहापट्टी जलमग्न हो जाता है। स्टेशन रोड स्थित लोहिया पुल सब्जी मंडी बारिश के बाद नर्क बन जाता है और सड़क किनारे कचरे के ढेर से निकलने वाले दुर्गंध से लोगों का सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। बाजार एवं स्टेशन से आने वाले राहगीरों और वाहनों को जर्जर सड़क एवं कीचड़ से गुजरना पड़ता है, जिससे कि दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। एक जर्जर सड़क और कूड़े का ढेर, ऊपर से बारिश और आवारा पशुओं ने स्मार्ट सिटी की व्यवस्था की सारी पोल खोल कर रख दी है। निगम प्रशासन और जनप्रतिनिधि ने विकास कार्यों के दावे और वादे तो खूब करते हैं, लेकिन सच्चाई आपके सामने है। मुबारक सफर हज को लेकर भागलपुर से हज यात्रियों के जाने का सिलसिला जारी है। गुरुवार को दर्जनों हज यात्री सूरत एक्सप्रेस से पटना के लिए रवाना हुए। इससे पूर्व बुधवार को 66 लोग मक्का मदीना के लिए रवाना हुए थे। नुसरत फेलवेयर सोसाइटी के महासचिव मौलाना जाहिर हलीमी ने कहा कि पटना में हज संबंधित कागजातों की जांच होने के बाद हज यात्री मदीना के लिए प्रस्थान करेंगे। वहीं हज यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशन परिसर में स्वागत कैंप भी लगाया गया था। भागलपुर से 215 हाजी लोग हज करने जा रहे हैं और कल तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा पटना पहुंच चुके हैं और आज सूरत एक्सप्रेस से बहुत सारे हाजी जा रहे हैं। ये पहले पटना जाएंगे, फिर पटना से 5 को फ्लाइट है फिर गया जाएंगे, गया से फिर हज के लिए इंशाल्लाह रवाना हो जाएंगे। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारी ये तंजीम, हमारी ये सोसाइटी नुसरत वेलफेयर सोसाइटी और जनचेतना और सद्भावना मंच हमेशा हाजियों की खिदमत में लगे रहती है और शरबत पिला करके, पानी पिला करके और ट्रेन में सहूलत दे करके हर तरह की खिदमत करने को तैयार कर लगे। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के अंतर्गत चल रही बीएड की परीक्षा गुरुवार को समाप्त हो गई। सत्र 2018-20 के छात्र छात्राओं ने परीक्षा के अंतिम दिन सेमेस्टर 1 के 7वें पेपर की परीक्षा दी।
विश्वविद्यालय के बहुउद्देशीय प्रशाल में चल रही परीक्षा में 6 बीएड कॉलेज के कुल 490 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। वहीं केंद्राधीक्षक डॉक्टर शरद चंद ने कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण परीक्षा संपन्न कराने का दावा किया। हाँ, आज बीएड का ये अंतिम पेपर है 7A, इसका नाम है पेडागॉजी ऑफ स्कूल एजुकेशन, और इसमें मिला जुला चीज है और करिकुलम सिलेबस ये यूनिट प्लान लेसन प्लान ये सब है, और इसमें 6 कॉलेजों के छात्र जो है परीक्षा दे रहे हैं, सिटी भागलपुर, पूरन मल बाजोरिया और ये कटोरिया, अद्वैत मिशन, लगभग 450 छात्र जो है परीक्षा दे रहे हैं, 25 एडमिनिस्ट्रेटर इसमें काम कर रहे हैं, सभी चुस्त दुरुस्ती से परीक्षा ले रहे हैं, और जो परीक्षा की गरिमा है, पारदर्शिता पवित्रता पूरी तरह से मेंटेन की जा रही है। स्नातक और इंटरमीडिएट नामांकन में छात्रों को फॉर्म भरने में कोई असुविधा न हो, इसके लिए छात्र संघ एवं छात्र राजद के द्वारा मारवाड़ी कॉलेज में मे वी हेल्प यू डेस्क लगाया गया। इस दौरान फॉर्म भरने आए छात्रों ने डेस्क पर आकर जानकारी प्राप्त की। छात्र राजद के विश्वविद्यालय अध्यक्ष दिलीप कुमार ने बताया कि 29 जून से लगातार कॉलेजों में शिविर लगाकर छात्रों की सहायता की जा रही है। मौके पर प्रियतम कुमार, सुजीत कुमार, सत्यम कुमार समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे। भागलपुर के आनंद राम ढांढनिया सरस्वती विद्या मंदिर में गुरुवार को 3 दिवसीय क्षेत्रीय गणित कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन विद्या भारती उत्तर पूर्वी क्षेत्र के सचिव दिलीप कुमार झा, विद्या भारती के राष्ट्रीय संस्कृत प्रमुख डॉक्टर धीरेन्द्र झा एवं नवीन कुमार ढांढनिया ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। क्षेत्रीय सचिव दिलीप कुमार झा ने कहा कि गणित का निरंतरण अभ्यास करने से ही इसे आसानी से समझा जा सकता है। बच्चों को गणित में मोटिवेशनल क्लास की जरूरत होती है, इसलिए पूरे धैर्य और सहजता से बच्चों को पाठ्यक्रम की जानकारी देनी चाहिए। प्रधानाचार्य मनोज कुमार मिश्र ने कार्यशाला में सभी अतिथियों का स्वागत किया। कार्यशाला में गणित विषय के उन्नयन एवं विकास पर चर्चा की गई। इस अवसर पर उप प्रधानाचार्य रविशंकर पांडे, डॉक्टर संजीव झा, पंकज उपाध्याय, सुजाता कुमारी समेत विद्या भारती के स्कूलों से आए दर्जनों शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद थे। भागलपुर रेलवे स्टेशन परिसर स्थित ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन कार्यालय में गुरुवार को 14वां द्विवार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया गया। अधिवेशन के मुख्य अतिथि यूनियन के केंद्रीय महामंत्री एसके बंदोपाध्याय एवं केंद्रीय अध्यक्ष चपला बनर्जी थे, जबकि विशिष्ट अतिथि कार्यकारी अध्यक्ष अमित घोष एवं उपाध्यक्ष सत्यजीत कुमार थे। इस दौरान यूनियन की भागलपुर शाखा की नई कमेटी के गठन के लिए चुनाव हुआ। PWI आरके सिंह को एक बार फिर सचिव चुना गया और निवर्तमान अध्यक्ष हुसैन को पुनः अध्यक्ष चुना गया। प्रभात कुमार को कार्यकारी अध्यक्ष, अचल कुमार सिंह व मनीष को उपाध्यक्ष और आरके मंडल को कोषाध्यक्ष चुना गया। महामंत्री ने अधिवेशन को संबोधित करते हुए NPS रद्द करने, पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने, रेलवे कारखानों का निजीकरण बंद करने और 100 दिनों के अंदर एक्शन प्लान के नाम पर रेलवे का निजीकरण नहीं करने को लेकर आवाज बुलंद की। इस अवसर पर काफी संख्या में यूनियन के पदाधिकारी, सदस्य एवं रेलवे के कई विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद। भागलपुर महादेव सिंह कॉलेज में छात्रों से अवैध तरीके से वसूली कर पार्ट 3 परीक्षा के एडमिट कार्ड निर्गत करने के मामले में विश्वविद्यालय के 100 कोच का जवाब कॉलेज प्रशासन ने भेज दिया है। पूरे मामले में कॉलेज प्रशासन अपने स्तर से जांच कर रहा है। अवैध वसूली का मामला उजागर होते ही TMBU प्रशासन ने महादेव सिंह कॉलेज के प्राचार्य और वर्सर को शो कॉज किया था। जवाब आते ही कुलपति प्रोफेसर LC साहा ने कहा कि मामला छात्र हित से जुड़ा है, इसलिए इसे गवर्निंग बॉडी में रखा जाएगा। विश्वविद्यालय ने महादेव सिंह कॉलेज के प्रिंसिपल को शो कॉज किया था इस तरह की गतिविधियों के लिए, तो प्रिंसिपल ने जवाब दिया है जिसमें कि उन्होंने 3 कर्मचारी को जो इस तरह की कार्रवाई में लिप्त थे उनको शो कॉज किया है, और चूंकि किसी भी एम्प्लॉई पर कार्रवाई करने के लिए प्रिंसिपल भी अपने मन से कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, एफिलेटेड कॉलेज में जो गवर्निंग बॉडी शासी निकाय होता है वही कोई एक्शन ले सकता है, उन्होंने शासी निकाय की बैठक बुलाई है। उन्होंने रिक्वेस्ट किया है सचिव से कि एक शासी निकाय की बैठक बुलाई जाए और शासी निकाय इस इशू पर उस पर विचार करेगा और शासी निकाय जो आवश्यक कार्रवाई करेगा उससे विश्वविद्यालय को वो अवगत कराएगा। और अंत में चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय भागलपुर सिटी डेवलपर्स। देश भर में निकाली गई भगवान जगन्नाथ की रथ शोभा यात्रा, भागलपुर सहित अंग प्रदेश में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़।
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिंह पहुंचे भागलपुर। चमकी बुखार से हुई बच्चों की मौत को लेकर सीएम नीतीश कुमार पर कसा तंज। अवैध संबंध को लेकर नवगछिया में पति ने पत्नी को किया आग के हवाले, हालत गंभीर। चौदह दिन पूर्व नाथनगर से अपहृत महिला की बरामदगी को लेकर परिजनों ने एसएसपी से लगाई न्याय की गुहार, एसएसपी ने दिलाया भरोसा। और विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्नातक में दाखिले की तिथि में किया बदलाव, 6 जुलाई तक छात्र ले सकेंगे नामांकन। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए सिल्क टीवी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।